वेलकम टू अनास किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है काबुली पुलाव। ये वैसे तो ज़्यादातर ये चने की दाल का बनता है, जो ये मुरादाबादी स्टाइल में मैंने बनाया है, लेकिन कुछ लोग इसमें चिकन डालना भी पसंद करते हैं। और वैसे भी ये मोस्टली ज़्यादातर चने की दाल का ही पसंद किया जाता है, क्योंकि ये काबुली पुलाव है। नहीं तो अगर इसमें हम चिकन डालेंगे तो ये बिरयानी का रूप ले लेगी, इसलिए। और मुरादाबादी स्टाइल में ये इसी तरीके से बनता है। और जो लोग नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं या जिनको कम खाना पसंद है, उनके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट रहेगी और अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं ये मैंने किस तरीके से बनाया है। इसके लिए ये मैंने 2 कटोरी के करीब सेला चावल लिया है। अगर वैसे नापे तो ये 250 ग्राम बैठेंगे चावल। और यहाँ पर ये मैंने दाल ली है 125 ग्राम के करीब, यानी 1 कटोरी ली है चावल के आधा। और यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्च ली है, जूलियन कट अदरक ली है, और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इनको बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे ये केवड़ा वाटर है, ये ऑप्शनल है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च है 7 से 8, लौंग भी हैं 4-5, हरी इलायची 4, बाय लीफ और दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा जावित्री का ब्लेड है, नमक सभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1.5 चम्मच के करीब। और यहाँ पर ये मैं मिर्ची का अचार डालूँगी पुलाव में, जिससे कि काफ़ी जो इसका टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। इसको हम पुलाव को कुकर में बनाएंगे, क्योंकि कुकर में जो है थोड़ा टाइम कम लगता है। यहाँ पर इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1.5 कप के करीब, और आप अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं इसमें, जिसमें भी आप बनाना पसंद करें। और उसके बाद ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। इसको थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक इसको अच्छे से तल लेंगे, जिससे कि एक पिंकिश सा इसमें कलर आ जाए। और इसको एकदम चम्मच की सहायता से धीरे धीरे करके और अच्छे से चला लेंगे, ताकि ये जले नहीं। उसके बाद इसमें हम ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे, इनका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में, ये ज़रूरी है डालने। आप चाहें तो इनको कम डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर, इससे थोड़ी अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। और उसके बाद जब ये प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, इसमें कलर आ जाएगा, तब इसमें ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। ये भी इसमें पुलाव में बहुत ज़रूरी जाता है। और अच्छे से चम्मच से चला लेंगे, और गैस की फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। अगर हम हाई रखेंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम जल जाएंगी। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, तब इसमें ये हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर देंगे। आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा मसालेदार बनानी है, तो यहाँ पर आप हरी मिर्ची की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पर आप रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद इसमें मैं चना दाल ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने सोक करके रखी थी करीब 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से नरम हो जाए। और आप इसको अच्छे से धो के और सोक करके रख दीजिए 20 मिनट के लिए, तो ये जल्दी अच्छे से गलेगी। और चावल भी हमने रख दिए हैं भिगो के। और यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दूंगी, नमक करीब 2 चम्मच के करीब लिया है, बाकी आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं इसको कम या ज़्यादा। अब जब ये इसको दाल को डालने के बाद, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल को भी हमने भिगो के रखा था करीब 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए। और अगर आप ज़्यादा अच्छे ब्रांड के चावल ले रहे हैं, तो उनको 1 घंटे के लिए भिगो कर रखिए। और ये चीज़ आप बासमती में भी बना सकते हैं, लेकिन बासमती में थोड़ा फिर भी इतने खिले खिले नहीं बनते हैं। और यहाँ पर अब मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी आप चावल जैसे हमने डाले हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए चावल, जो हमारी उंगली का एक पूरा होता है उतना ऊपर होना चाहिए चावलों से पानी, बस इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने केवड़े की 2-4 बूंदें ऐड कर दी हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि हम शादी पार्टियों में पुलाव खाते हैं इस तरीके की। और यहाँ पर इसके बाद ये मैंने मिर्ची का अचार ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा मसालेदार पुलाव
पुलाव खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ये अचार की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या पर रेड चिल्ली पाउडर इसमें और ऐड कर सकते हैं, जिससे कि एकदम आपका जो पुलाव है स्पाइसी बनेगा। और लिड लगा दी है मैंने, एक विसल तक आने तक इसको पकाएंगे। अब ये देखिए, इसका प्रेशर मैंने खुद से रिलीज़ करने दिया था एक विसल आने के बाद, और यहाँ पर ये देखिए पुलाव बनके एकदम तैयार है, और कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब यहाँ पर ये मैं फूड कलर ऐड कर दूँगी, वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी लुक आएगी इसकी पुलाव की। और 10 मिनट के लिए फिर मैं इसको ऐसे ही स्टीम बना के रख दूँगी, जिससे कि चावल और दाल दोनों जो हैं वो एकदम अच्छे से नरम हो जाएं, ज़रा भी इनमें कड़कपन नहीं रहे, एकदम सॉफ्ट से नरम, तभी खाने का अच्छा मज़ा आता है। और ये देखिए, अब इसको मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, और ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। और यहाँ मैंने इसकी प्लेटिंग कर दीजिए, आप देखिए लुक कितनी अच्छी आ रही है चटनी के साथ, विद चटनी के साथ, ग्रीन चटनी है सलाद से। ये जो मुरादाबादी पुलाव है, काबुली पुलाव, आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, जिन व्यूवर्स ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और आप इसको घर पे आसानी से एकदम बनाइए मेरे बताए हुए मेथड से, और फिर देखिए आपकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसी तरह मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।